तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप साइट पे काम करवाते हो तो, या आप कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो, क्योंकि डेवलपमेंट लेंथ को लेके ही मैं आज वीडियो फिर से लाया हूं। पहले मैंने बताया था डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ लैपिंग लेंथ में क्या डिफरेंसेस होती है, ये सारे वीडियो में बनाया हूं, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। और जब भी आप मेरा वीडियो देखते हो ना, मेरे डिस्क्रिप्शन में जरूर जाया करो, क्योंकि उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। फिर मैंने वीडियो बनाया था कि IS 456 में जो डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला है उसका मतलब क्या है, उसमें हम लोग कैसे वहां से डिराइव कर सकते हैं, जो हम लोग साइट पे यूज करते हैं ना डेवलपमेंट लेंथ 50D 46D 36D, ये सब कहां से आता है, कैसे डिराइव हो गया है, वो भी मैं आपको दिखाया था। वो सारा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट बनाकर कि गेट अप स्टील अगर Fe 415 है या गेट अप स्टील अगर Fe 500 TMT बार है तो आपको जो डेवलपमेंट लेंथ लेना है वो कितना लेना है। अगर आप ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M20 यूज करते हो या M25 30 35 40 50 55 60 ये सब कॉन्क्रीट अगर आप यूज करते हो और आपके पास पता नहीं है, आपके पास जो ड्राइंग है वहां पे कहीं मेंशन नहीं है कि आपको ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट कितना पकड़ना है या इंटरव्यू में आपको कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कहां से वो आएगा, ये सारा चीज आपका इस वीडियो में आज कवर करूंगा मैं। तो आपको एक ही चीज करना है, क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। और वीडियो पसंद आए ना तो एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर जस्ट कर दीजिएगा, आपको और कुछ नहीं करना होगा, ताकि जो भी सिविल इंजीनियर्स हम जैसे भाई है ना, एकता बना के रखिए हम सिविल इंजीनियर्स भाइयों में, जो आप सीखो सबको सिखाओ, इससे ही तो अच्छा होगा ना, हमारा इंडिया का जो सिविल इंजीनियर है वो फलेगा फूलेगा, जॉब ले पाएगा, ठीक है कहीं भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको जस्ट वैल्यू में बैठा दूंगा तो बहुत क्या करते हैं वहीं से स्क्रीनशॉट लेके चल जाते हैं। तो भैया मैं ऐसा कुछ चीज जो लास्ट में बोल देता हूं वो उस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो बहुत कोई मिस कर जाते हो। और मैं क्यों बोल रहा हूं ये, क्योंकि कमेंट में बहुत कोई पूछते हैं कि सर ये वीडियो में नहीं है, ये वीडियो में नहीं है, वो वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, वो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, उनका क्लियर, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता है और वो क्वेश्चन पूछते हैं, जबकि उसका आंसर उसी वीडियो में रखा हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखिए, एटलीस्ट आपका कोई सोना चांदी नहीं चला जाएगा 5 मिनट कोई वीडियो को ज्यादा देख लोगे तो, ठीक है। उसके बाद मैं रिलेशन भी बताऊंगा आपको कि यहां पे जो भी आपका डेवलपमेंट लेंथ का वैल्यू आएगा ना, वो ग्रेड ऑफ स्टील के साथ उसका क्या रिलेशन है और ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के साथ उसका क्या रिलेशन है, वो आपको मैं फॉर्मूला के हेल्प से बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जान लो डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है आपका फाइ सिग्मा एस बाई 4 tau BD। अब आप पूछोगे ये क्या है भैया, तो फाइ मेरा डाया ऑफ बार, कोई भी डाया ऑफ बार जो आप यूज करते हो साइट पे, सिग्मा एस क्या है आपका, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं, सिंपल भाषा में कोई टेक्निकल टर्म नहीं यहाँ पे, सिग्मा एस है आपका यहाँ पे जो ग्रेड अप आप स्टील यूज करते हो 415 500 500 DD, ठीक है, जो भी आप यूज करते हो ग्रेड अप स्टील वो है सिग्मा एस। 4 तो आपका कांस्टेंट वैल्यू है और टाउ बीडी है आपका डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, फाई है आपका डाया ऑफ बार, डाया ऑफ बार, सिग्मा एस है आपका स्ट्रेस इन बार, ठीक है, स्ट्रेस इन बार, और ये स्ट्रेस इन बार कहां से मिलेगा आपको, ये रहा 415 500 यही वाला। 4 कांस्टेंट है और टाउ बीडी क्या है, अभी मैंने आपको बताया डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को व्हाट इज डेवलपमेंट लेंथ ये पता होगा, इसका प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो पता होगा, नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर देख लो, बहुत लोग देखे हैं, बहुत लोग उसको पसंद किए हैं, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला है, अभी फॉर्मूला बताने का रीजन है क्या ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा, क्योंकि मैं रिलेशन इसे कोरिलेट करूंगा। अब देख लीजिए, सबसे पहले यहां पर ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट लिखा हुआ है 20, 25, 30, 35, 40। अब देखिए इससे पहले का क्यों नहीं है, क्योंकि इससे पहले का हम लोग आरसीसी में रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट जो हम लोग आरसीसी यूज करते हैं ना, उसमें लोग यूज करते नहीं है 20 से कम का, इसलिए यहाँ पे 20 से कम का नहीं लिया गया है, 20 से पकड़ा गया है और 40 से अबव का यहाँ पे लिया गया है। गेट ऑफ स्टील मैंने 2 बताया है, Fe 415 और Fe 500, उसके लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट आपको LD बताऊंगा यहाँ पे जब भी, और इसमें जो है ना सेफ्टी फैक्टर आपका इंक्लूड किया गया है, ठीक है। मैंने डेवलपमेंट लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं इस पर वीडियो बनाया था बहुत डिटेल में, उससे अगर इसको कंपैरिजन करोगे ना तो अंतर आएगा, वो जो वैल्यू निकलेगा वो ज्यादा निकलेगा, यहां पे आपका एग्जैक्ट जो आपको लगना चाहिए, ठीक है, जो प्रॉपर सेफ्टी फैक्टर के साथ वो यहां पर लगेगा आपका, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पे सारा आपको पूरा भरा भरा मिल गया है, आप लोग समझ लीजिए, मैं लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट का मौका दे दूंगा, तो टेंशन मत लीजिए। तो अब देखिए चीजों को समझिएगा क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ डेटा आपको आराम से कहीं भी मिल जाएंगे, आपके साइट पे भी ड्राइंग में आपको मिल जाएगा, लेकिन पीछे का फंडा आपको समझना है ना मेन, ठीक है। अब देखिए जब गेट ऑफ M20 है और आप स्टील यूज कर रहे हो Fe 415, तो आपको जो डेवलपमेंट लेंथ लेना है वो कितना लेना है 48D, लेकिन जब वही आप 415 की जगह 500 Fe 500 यूज करते हो तब आपको कितना डेवलपमेंट लेंथ लेना है 57D। समझ में आ गया, डी क्या है मेरा डाया ऑफ बार। तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ यहाँ पे, तो मान लीजिए यहाँ पे ये मेरा कॉलम है, ये वाला मेरा ये बीम है, ये बीम से ये स्टील आ रहा है, अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये अंदर जो गया ये क्या गया, ये डेवलपमेंट लेंथ आपका गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना है 48D, तो पता कैसे चलेगा कि ये कितना जाएगा, ये कितना जाएगा यही ये डिटरमाइन करता है 48D मेरा। तो मान लीजिए ये मेरा 10 का बार है, मैं मान लीजिए एग्जांपल 10 20 25 जो भी है 10 mm का बार है, तो ये कितना जाने वाला है 48 × 10 कर दीजिए, 48 × 10 करोगे तो कितना आएगा 480, ठीक है, ये मिलीमीटर में आ गया, क्योंकि ये डाया जो है ये आपका मिलीमीटर में है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ कितना प्रोवाइड करना पड़ा है 480 mm, ये इतना घुसेगा, तो ये कितना डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करेगा इसी चार्ट से पता चलता है। अब देखिए M25 गेट का अगर कॉन्क्रीट है तो 415 के कैटेगरी में कितना हम लोगों को डेवलपमेंट लेंथ लेना है 41D, और 500 के कैटेगरी में 49D, इसी तरीके से 30 के लिए हो जाएगा 38D, इधर 46D, M35 के लिए 34D, 40D, जब आपका ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट 40 या उससे ज्यादा है, 40 हो गया, 45 हो गया, 50 हो गया, 55 हो गया, तब आप लोग को अगर आप स्टील यूज करते हो 500 Fe 500, तो आप लोग को जो डेवलपमेंट लेंथ लेना है वो 36D लेना है, और 415 है तो 30D लेना है। तो जनरली ये तो यूज होता नहीं, आपको यही यूज करेंगे और यही जनरली देखिएगा आपके ड्रॉइंग में भी रहेगा, ठीक है। अब देखिए दोनों में रिलेशन क्या है, डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला ये है, फाई हम लोग को पता है, डाया हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है, डाया बार हम लोग को पता चल जाएगा, सिग्मा एस क्या है, स्ट्रेस इन बार मैंने बोला था कि ग्रेड ऑफ स्टील, ये भी आपको ड्राइंग से मिल जाएगा, फोर आपका कांस्टेंट है ना, ये तो हमको पता ही है कांस्टेंट है, तो फोर बैठा तो ऐसे ही। बात आती है टाउ बीडी की, मेन जो मेहनत करना है ना आप लोग को टाउ बीडी निकालने के लिए मेहनत करना है, टाउ बीडी क्या है मेरा डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, और ये आपको मिलेगा क्लॉज नंबर IS 456 का जाइएगा 26.2.1 में, वहां पे आपको प्लेन बार के लिए दिया हुआ है, बट वहां से आप लोगों को डिफॉर्म बार के लिए अलग अलग निकालना पड़ता है, वो कैसे निकालना पड़ता है पूरा डिटेल मैं निकाल के बता दिया था, जो कि IS कोड में दिया हुआ नहीं है, वहां परसेंटेज बेसिस पे दिया हुआ है, मैंने निकाल निकाल के बताया था, और उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो देखा जाए तो डेवलपमेंट लेंथ पे एक सीरीज बन सकता है, जितना सारा मैं वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, तो वो सारा देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये टाउ बीडी कहां से मिल जाएगा, ये मिल जाता है आपको IS 456 में, क्लॉज नंबर इसमें जाइएगा, और ये टाउ बीडी पता है किस पे डिपेंड करता है, ये ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे डिपेंड करता है। तो देखिए इस फॉर्मूला से आपको क्या पता चला, ये मेरा डेवलपमेंट लेंथ है, तो देखिए डेवलपमेंट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा एस, सिग्मा एस क्या है मेरा ग्रेड ऑफ स्टील ना, तो ये बोल सकते हैं LD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा एस, मतलब अगर डेवलपमेंट लेंथ बढ़ेगा तो हमारा ग्रेड ऑफ स्टील जो है ना वो भी बढ़ेगा, या ये आप बोल सकते हो ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ रहा है तो मेरा डेवलपमेंट लेंथ बढ़ रहा है, करेक्ट। देखिए भाई ग्रेड ऑफ स्टील यहाँ पे बढ़ रहा है ना, तो डेवलपमेंट लेंथ भी बढ़ रहा है, 415 के कैटेगरी में 48D था, 500 कैटेगरी में चला गया 57D, देखो बढ़ गया, यहां पे देखो नीचे में फिर 41D था, इस कैटेगरी में 49D हो गया, तो रिलेशन से पता चल रहा है अगर मेरा सिग्मा एस बढ़ रहा है मतलब स्ट्रेस इन बार बढ़ रहा है, मतलब ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ रहा है, ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ रहा है तो डेवलपमेंट लेंथ भी बढ़ रहा है। ये पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया रिलेशन से, ये आपका इंटरव्यू में पूछा जाता है जब आप देने जाओगे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम या कहीं भी, सापूजी पालन जी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, और ये पूछा जाता है जनरली, ठीक है, मैंने फेस किया था। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट को लेके, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि डेवलपमेंट लेंथ जो है वो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट आपको दिख ही नहीं रहा है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे डिपेंड करता है हमारा डेवलपमेंट लेंथ। इनडायरेक्टली इसको अगर देखोगे तो डेवलपमेंट लेंथ हमारा ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे डिपेंड कर रहा है, कैसे देखो LD हमारा डिपेंड कर रहा है टाउ बीडी पे, देखो LD, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं LD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ बीडी, ठीक है, टाउ
बी डी टाउ बी डी में क्या है डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, और डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे डिपेंड करता है। आप जो चार्ट खोलोगे आईएस 456 में उसमें दिखेगा, जो मैं वीडियो बनाया था ना उसमें मैंने दिखाया था सारा डिराइव करके निकाल निकाल के आपको बताया था, वो सब वीडियो देखा करो। ये वीडियो मिस भी हो जाए ना तो वो वीडियो मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो वीडियो ही तो मदर वीडियो है, वो जब तक आप नहीं देखोगे ये कॉन्सेप्ट समझना कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, एल डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाऊ बी डी, टाऊ बी डी मतलब डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, और डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस में डिपेंड करता है किस पे, करता है ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे। तो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस में क्या रिलेशन है, देखिए ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, ये आपका रिलेशन आता है। अगर ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट बढ़ रहा है ना तो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस जो है वो भी बढ़ता है। ठीक है, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं टाऊ बी डी को यहां से रिमूव कर दीजिए, टाऊ बी डी की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है जी ओ सी। तो एल डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, इसका मतलब क्या है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट अगर बढ़ रहा है तो डेवलपमेंट लेंथ घटेगा, या बोल सकते हो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट घट रहा है तो डेवलपमेंट लेंथ मेरा बढ़ेगा। क्लियर, अब ये चीज देखो यहां पे देखते हैं लागू होता है कि नहीं। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M20 था तो ये था, मान लीजिए 415 की कैटेगरी में 48 था, जैसे ही ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट बढ़ा ना M20 से M25 हुआ तो ये देखिए घट गया, डेवलपमेंट लेंथ पहले 48 था 20 के लिए, 25 के लिए देखिए घट गया 41 हो गया, 48 की जगह 41 हो गया। अब और बढ़ा के देखते हैं M25 से M30 में जाते हैं, M25 से M30 में जैसे ही गए ना हमारा डेवलपमेंट लेंथ देखिए और घट गया, 41 से 38 हो गया, उसी तरीके से 35 में देखिए और कम हो गया, 34 हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे हमारा ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट बढ़ रहा है ना डेवलपमेंट लेंथ हमारा घट रहा है। यहां भी सेम देखिए Fe500 में यहां 57 था 20 कैटेगरी में, 25 की कैटेगरी में 49 हो गया, घट गया। ये क्यों हो रहा है, जैसे जैसे ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट ज्यादा होता है ना उसका पावर ज्यादा होता है, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, उसका ग्रिपेज प्रॉपर्टी ज्यादा होता है। तो यहां पे एक चीज समझने वाली बात है, अगर एक स्टील बार है, ठीक है एक स्टील बार है इतना बड़ा, और M20 क्या किया इसको पूरा पकड़ के रखा है, तो इसको जब पूरा पकड़ के रखा अब यहां से कोई अगर टेंशन करेगा, इसको टेंस करेगा टानेगा तो ये नहीं निकल रहा है। ठीक है, लेकिन M25 के केस में देखिए डेवलपमेंट लेंथ कम है, मतलब हम लोग को पूरा पकड़ के नहीं रखना है, डेवलपमेंट लेंथ अब कम देना है। अगर अब M25 वाला कॉन्क्रीट का आधा भी पकड़ के रखता है और इसको खींचोगे ना तो ये नहीं निकलेगा, ये इक्वल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। सेम उसी तरीके से M30 का ग्रेड का अगर कॉन्क्रीट है तो M30 ग्रेड के कॉन्क्रीट में आपको डेवलपमेंट लेंथ और कम डालना है, मतलब इसको अब आधा नहीं पकड़ना है, अब और कम पकड़िएगा, अब और कम पकड़िएगा ना तो इसको वो स्ट्रेंथ मिल चुका है कि ये खींचेगा ना तो ये निकलेगा नहीं। समझ में आ गया, तो जैसे ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट बढ़ता है ना उसका ग्रिपेज प्रॉपर्टी बढ़ जाता है, हम लोग को डेवलपमेंट लेंथ ऑफ स्टील कम प्रोवाइड करना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है, ये जो रिलेशन बताया ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंटरव्यू आपसे पूछा जाता है। अब बारी आती है आपको स्क्रीनशॉट लेने की, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि आज का वीडियो जो है पूरा कॉन्सेप्ट से भरा हुआ था। ठीक है, अच्छा बहुत कोई बोल रहे थे कि सर आप इंटरैक्टिव पैनल जो होता है वो पैनल लगा के हम लोग को पढ़ाओ, तो भैया उसका जो बजट है वो बहुत ज्यादा होता है, 1.5 से 2 लाख उसका कॉस्ट होता है उसका सेटअप को रेडी करने के लिए, तो मैं वो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा अभी। ठीक है, लेकिन मैं बोर्ड पे जितना आप लोग को देता हूँ आई होप आप लोग को मैं सफिशियंट देता हूँ, आप लोग को चीजों को समझ में आएगा। हाँ, वो पैनल अगर रहेगा तो एकदम 3D व्यू आता है, एकदम आंखों के सामने लगता है कि वो चीज देख के हम लोग पढ़ रहे हैं, फोटो के साथ सब चीज डिटेल में एकदम, लेकिन आएगा धीरे धीरे, अगर कभी भगवान ने चाहा तो आएगा कभी। ठीक है, फिलहाल तो यहीं पे मैं करवा सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप लोग को पता नहीं है, कहीं भी कुछ आपके ड्राइंग में दिया हुआ नहीं है डेवलपमेंट लेंथ कितना लेना है, तो जो मैंने अभी बताया था पूरा डिटेल ये सारा आप ले सकते हो, आप इसको कंसिडर करके काम करवा सकते हो, हाई राइज बिल्डिंग में भी करवा सकते हो, ये मैंने जो बताया ना स्पेशली हाई राइज बिल्डिंग के लिए ही बताया है आप लोगों को। ठीक है, लेकिन जब इंटरव्यू पूछा जाएगा ना आपसे, जनरल जब पूछा जाएगी डेवलपमेंट लेंथ कितना लेना है तो 50D बोलिएगा, और अगर ये आपको याद है तो ये पूरा स्केच आप बना के रख दीजिएगा उनके सामने, तो ये और अच्छा है आपके लिए। ठीक है, तो ये जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है, ये काम करवाने के लिए पूरा वैल्यू जो मैं अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अभी तो मिटा दिया हूँ, थोड़ी देर पहले जो बताया था वो काम करने के लिए है हाई राइज बिल्डिंग के लिए। ठीक है, और आप लोग को क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, प्लीज शेयर किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि हम चाहते हैं सब इंजीनियर्स भाई सीखे, हमारे जो सिविल इंजीनियर्स के भाई लोग हैं वो सीखे, यूनिटी बनाकर रखिए ना, जो आप सीखिए सबको सिखाइए। आज के वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोग के लिए, तो बाय, टाटा, जय हिंद।